आरोग्य जीवन में आज हम आपको दिखा रहे हैं असली जीवन यात्रा दिखा रहे हैं, जो कि लील का धाम निवासी एक तपोभूमि संतों की भूमि से ये यात्रा उठी है और बहुत ही पवित्र आत्मा की लिए इन्होंने कुछ उपदेश दिए जो शास्त्रों के आधार पे दिए, और इन्हीं की भाषा में हम आपको ये उपदेश बता रहे हैं। तो आप इन्हें अपनाइए और जरूर सुनिए। भगवान की प्राप्ति का असली मार्ग भगवान श्री वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभकारी हैं। भक्ति और सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण को भक्ति और श्रद्धा के साथ सबसे महत्वपूर्ण नियमित रूप से उनके मंत्रों पर जाप और पूजा अर्चना करना है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार तो बताया गया है कि एक सच्चा भगवान का नाम लेकर मनुष्य वैष्णु धाम को प्राप्त होता है। सत्संग और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, संतों और महापुरुषों की संगति, समय बिताना और शिक्षाओं को अपनाना अत्यंत लाभकारी है। सेवा और दान गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, मंदिरों में दान करना और समाज सेवा में भाग लेना भी एक बहुत ही पुण्य काम होता है। तो आप किस तरीके से भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं? सच्ची निष्ठा से पूजा, नियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना, विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का महामंत्र है। मंत्र जाप विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसे मंत्रों का जाप करना और भगवान विष्णु की आराधना करना लाभकारी होता है। इन कुछ तरीके से आप वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। नारायण की जय। धन्यवाद।